हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे शाही वाइट मटन कोरमा। बहुत ही टेस्टी, स्मूथ एंड सिल्की ग्रेवी के साथ इसे बनाएंगे। इसे आप कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए या ख़ास मौक़ों पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही वाइट मटन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मटन को मैरिनेट करेंगे। तो 1 किलो मटन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप विस्क की हुई दही, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2.5 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट अकॉर्डिंग, 3 टीस्पून दखनी मिर्च, वैसे आप दखनी मिर्च की जगह काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे डालने से कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा और कोरमा वाइट नहीं लगेगा। और लास्ट में डालेंगे 2 टेबलस्पून क्रश्ड हरी मिर्चों का पेस्ट और अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। टाइम कम हो तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब 25 बादाम लेंगे, जिसे 4 से 5 घंटे सोक करके उसका छिलका उतार लेंगे। 25 ही काजू लेंगे, इसे भी 4 से 5 घंटे सोक कर लें, इससे पेस्ट स्मूथ बनेगा। इन्हें एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसी के साथ डालेंगे 2 टीस्पून खसखस, इसे भी काजू बादाम के साथ ही थोड़े से पानी में सोक कर दें और 2/3 कप दूध को थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका फाइन और स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक कुकर गर्म करेंगे। जब कुकर गर्म हो जाए तो 2/3 कप घी डालेंगे। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या घी और ऑयल की हाफ ऑफ क्वान्टिटी भी डाल सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो डालेंगे 1 जावित्री का फूल, 1 से 1.5 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 6 छोटी इलायची, 18 से 20 काली मिर्च और 6 से 7 लौंग। 10 से 15 सेकंड सौटे करेंगे और डालेंगे 4 मीडियम साइज की प्याज फाइन चॉप। इसे हल्का सा 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए इतना ही फ्राई करना है। तो आधा घंटा हो गया है मटन को मैरिनेट होते हुए। अब इसमें मैरिनेटेड मटन डालेंगे और हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, लिड लगाएंगे और जब प्रेशर अपने आप आउट हो जाए तब हम इसे ओपन करेंगे। प्रेशर आउट हो गया है, ओपन करते हैं, मिक्स करेंगे। अब डालेंगे काजू और बादाम का पेस्ट और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक काजू बादाम को पेस्ट के साथ मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, फ्लेम लो करेंगे और अब इसमें डालेंगे 1/2 कप फ्रेश क्रीम और 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक और मिर्च दोनों टेस्ट करके देख सकते हैं। ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है और साथ ही डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें स्लिट करके, मिक्स करेंगे और ढककर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं। हमारा शाही वाइट मटन कोरमा बनकर तैयार है। इसे आप नान, रोटी या राइस किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने मेरी बटर नान की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।